आप लोगों को नया साल मुबारक हो, और ये जो 2020 है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों के लिए नया साल बहुत ही खूबसूरत रहे और आप लोग तरक्की करें। बस इतने कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो मैं किन्नौर के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। आज के व्लॉग में मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो साल का अंत होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस करते हो मुझसे, तो आज तो आंसर देना बनता ही है। और बस आज मैं आप लोगों को आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि माउंटेन फेरी जी आपका नाम क्या है, प्लीज़ बताइए। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मेरा नाम नहीं पता है, रियल नेम क्या है मेरा, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है अंजलि वज़ीर, मेरा नाम है। और जो दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड, तो मैं अनमैरिड हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो मैंने हिंदी लिटरेचर में मास्टर किया है। तो आप लोग बहुत बार लिखते हैं कि आपकी हिंदी उर्दू बहुत ही अच्छी है, तो हमारे किन्नौर में थोड़ी हिंदी अच्छी नहीं है लोगों की, क्योंकि अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। बोल तो लेते हैं, हालांकि जो मेल फीमेल होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कहाँ ती है, कहाँ ता है आना चाहिए। इवन अभी भी मेरा मतलब मास्टर करने के बाद भी जो गलतियाँ हैं वो मैं भी करती हूँ, तो मैं तो सीख ही रही हूँ कि मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं जो हिंदी लिटरेचर में करूँ तो मैं हिंदी अच्छे से सीखूँ, ताकि मैं किन्नौर के लोगों को अच्छे से हिंदी सिखा सकूँ। और मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी, अपने पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट से ही किया है मैंने ये। और उसके बाद मैंने बीएड किया है। और जो चौथा क्वेश्चन मुझे अक्सर पूछा जाता है कि आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि आप एक यूट्यूबर बनना पसंद किया आपने, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लास्ट 2 ईयर से मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालती थी, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ वो कर रही हूँ, और आज हम ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स थे वो अक्सर मुझे कहते थे कि आप अपना व्लॉग क्यों नहीं शुरू करते हो यूट्यूब के लिए, और आप अपना चैनल क्यों नहीं क्रिएट करते हो, हम फॉलो करेंगे आपको, हम तो वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे इतना देखते हैं, आपकी स्टोरीज़ को इतना देखते हैं, तो क्यों ना आप अपने चैनल शुरू करिए और दिखाइए दुनिया को आपके अंदर इतना टैलेंट है। मेरी सिस्टर, ब्रदर, फैमिली सब मतलब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि करो, हाँ जो अच्छा लग रहा है आपको चीज़। और बचपन से ही मैंने वही सारी चीज़ें की हैं जो मुझे हमेशा ही पसंद आई है कि हाँ ये करना चाहती हूँ मैं, चलो ये कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में करती हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं, जो जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये काम करना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अगर जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे, ना किसी के दबाव में आके करने वाली चीज़ अच्छी हो सकती है पर वो उतनी निखर के नहीं आएगी सामने जितनी कि आप खुश होकर अपने दिल से करोगे काम। तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल के मतलब ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि क्रिएट करो चैनल, तो मैंने क्रिएट कर लिया चैनल। अब भी मई में मैंने क्रिएट किया है चैनल, और मुझे था कि चलो शुरुआत करनी तो है ही है, मैंने अब चैनल क्रिएट तो करना ही है। तो मैंने सबसे पहले हिमालय वेडिंग से स्टार्ट किया, जो कि मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैरिज के से ही शुरू करूँगी, अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किन्नौर में किस तरीके से मैरिजेस होते हैं, कि कैसे कैसे रिचुअल्स है, कस्टम्स है, सब कुछ मतलब आप लोगों को मैं बताऊँगी किन्नौर के बारे में। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आपका ये जो किन्नौर है कहाँ पर है, कौन सी जगह में है, बहुत सारे लोगों को किन्नौर के बारे में नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, और ये एक ट्राइबल एरिया है, तो आप समझ सकते हैं जनजातीय इलाका है तो किस तरीके का होगा किन्नौर। आप लोग मेरी वीडियोस में तो देख ही सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है हमें हर काम के लिए। तो गाइज़ इंस्टाग्राम से याद आया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरीज़ अपलोड करते रहती हूँ, साथ ही फ़ोटोज़, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और
जो दूसरी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मुझे व्लॉगिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि अब मेरा पैशन बन चुका है और मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग वगैरह। और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना बनाने में और कुक करने में। और जो तीसरा है, मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं पार्टी वगैरह में जा रही हूँ तो मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग कहते हो कि माउंटेन फेरी जी आप हमें ऐसी नेचुरल पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे ऐसे भी पसंद करते हो। चलो, हालांकि मैं एक लड़की हूँ, ऑब्वियसली लड़कियों को तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑल टाइम मेकअप करके रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं तो ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ कि कर लो, क्या है, एक ही ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर लो, अच्छा ही है। जैसे नॉर्मल घर में रहना है तो नेचुरल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कभी इतना मौका नहीं मिलता कि मैं घूमूं, पर जितना मौका मिलता है उतना मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज यहाँ ट्रिप करते हैं, ये प्लान करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो मतलब एक्साइटमेंट रहती है हर जगह घूमने के लिए, नई नई जगहों पर जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं और बस इतने ही है हॉबीज़, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने कल्चर तो से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो गाइज़, आप लोगों को मैं अपने ब्रदर से बुलाती हूँ, मेरा डॉग जो है टाइसन। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर राखी बांधा हुआ है गले में, तो ये है मेरा ब्रदर टाइसन। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आपके पास एक डॉग है, उसका नाम बताइए क्या है। तो इसका नाम है टाइसन, जो कि बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो गाइज़, आप लोग काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं, करते हैं मुझे कि आप चंडीगढ़ में क्या करते हैं। तो मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस करती हूँ, कभी चंडीगढ़ होती हूँ तो कभी किन्नौर आती हूँ, मतलब मेरा आना जाना लगा रहता है। और एक क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत बार देखने को मिलता है कि आपकी एडिटिंग कौन करता है और शूट कौन करता है, ये सब बताइए। तो मैं वीडियो शूट मैं खुद करती हूँ और एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। तो अब मुझे आता नहीं था, धीरे धीरे सीख रही हूँ, हालांकि बहुत सारी कमियाँ हैं ये भी जानती हूँ मैं, पर मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ इस चीज़ को। और जितना हो सके आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी मैं, और एडिटिंग में बहुत काम करूँगी मैं आगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दिखाऊँ मैं। और अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे चुप कराना मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और आप लोगों को बोर भी कर दूँगी मैं बहुत ज़्यादा बोल बोल कर। तो बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।